हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनम, स्वागत है आपका मिस इंडिया किचन में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सुपर सुपर टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग ककोड़ा की सब्जी। इसको कई जगह अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, तो इसी तरह आप बनाए कुछ नए अंदाज में। बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी है, और सबसे ज्यादा ये बहुत ही फायदेमंद है। इसमें बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। एक तरह से मानी तो ये हमारे शरीर के लिए एक तरह से औषधि है, जो कि एक साल में एक बार आती है। तो आप इसको एक बार जरूर बनाकर ट्राई करें। मेरी ये फेवरेट सब्जियों में से एक है, क्योंकि इसको खाने के लिए मुझे एक साल इंतजार करना पड़ता है। तो बस आप बनाएं, बहुत ही अमेजिंग लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप इसको रोटी, पूरी, पराठे किसी के साथ भी एंजॉय करें, बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो चलिए करते हैं बनाना स्टार्ट। तो करते हैं फ्रेंड्स हमारी ककोड़ा की सब्जी बनाना स्टार्ट। बहुत ही यमी लगती है इसकी सब्जी, और सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही हेल्थी होती है। तो करते हैं फिर इसको बनाना स्टार्ट। ये देखिए, ये ककोड़ा है, आप जानते ही होंगे, और ये कुछ इस टाइप का होता है करीले। इसको कोई कोई छोटा करेला ही बोलते हैं, मीठा करेला ही बोलते हैं। तो ये जो छिद्र होते हैं ना, इसको इसमें कचड़ा वगैरह फंसा रहता है, धूल मिट्टी। तो आपको इसको अच्छे से 5-6 बार ज़रूर वॉश करना है। तो बस इसको जैसे कि मैंने वॉश कर ही लिया है, और इसको आगे से और पीछे से इस टाइप से कट कर लेंगे। और आप चाहें तो इसकी कोई भी शेप से कट कर सकते। देखिए ये बिल्कुल कच्चा है, अभी पका हुआ नहीं है। आपको पका हुआ ककोड़ा बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जो पके हुए ककोड़ा रहते हैं उसमें बीज पड़ जाते हैं थोड़े, तो इसलिए वो काफ़ी कड़क कड़क होते हैं बीज। तो आपको इस तरह से इसको लंबा लंबा कट कर लेना है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी कोई भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको बढ़िया से कर लिया है कट। बस अब इसमें कुछ मसाले मिलाते हैं हम, थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा नमक नहीं मिलाएंगे हम इसमें, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर और बिल्कुल थोड़ी सी मिर्ची। और इसी चम्मच से मिलाएंगे हम भर के 1 चम्मच बेसन। इसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। थोड़ा सा और लूँगी, करीब 1.5 चम्मच डालेंगे बेसन इसमें हम। बस इसको बढ़िया से मिक्स करके 5-6 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये देखिए बढ़िया से इस पर कोट हो गया। अब इसको रख देते हैं ढक के 5 से 6 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट पे। तब तक हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसमें डालूंगी मैं 1 कटा हुआ बड़ा साइज का प्याज, और लेंगे 2 से 3 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, और 4 हरी मिर्च, और लेंगे 3 लहसुन की कलियाँ। आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्याज भी नहीं खाते तो भी वो भी स्किप कर सकते हैं। और डालेंगे इसमें 2 चम्मच के करीब पीनट। बस इसको बढ़िया से एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए मैंने गैस पर रख ली बढ़िया सी कढ़ाई, और इसमें डालते हैं हम तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, या फिर सरसों के तेल में ही बना सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको होने देते हैं हल्का सा गरम। और अब डालेंगे इसमें जीरा, एक तेज पत्ता। अगर आप चाहें तो प्याज इसमें फिर से कट करके डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ यहाँ पे। और मैंने ये दरदरा कोटा हुआ गरम मसाला, खड़ा मैंने इसको पीस लिया था दरदरा सा। और अब डालूँगी मैं इसमें 1 चम्मच भर के लाल मिर्च। क्या होता है तेल में ये सब डालने से ना कलर बहुत बढ़िया आता है इसका।
बस ये जो हमने ग्रेवी तैयार की थी इसको बढ़िया से डाल देते हैं इसमें। जितना भी इसमें एक्स्ट्रा मसाला लगा रहता है ग्रेवी, ये इसको भी हम थोड़ा सा पानी डाल के डाल देंगे। बस इसको बढ़िया से हम पकने देंगे। इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा, एक चम्मच धनिया पाउडर, और अब डालूँगी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बस इसको बढ़िया से तेल सेपरेट होने तक पका लेंगे। तो देखिए मसाला जो है हल्का सा पक रहा है, इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। बस बढ़िया से मिक्स करके थोड़ी देर और पका लेंगे इसको। तो देखिए जो है कि हमारा मसाला जब तक पक रहा है तब तक हम अपने ककोड़ा को बढ़िया से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं तेल में। तेल हो गया गरम, हम डाल देंगे अब बढ़िया से इसको फ्राई करेंगे हम। तो बढ़िया से इसको इस तरह से हल्का सा मिक्स करके बढ़िया से इसको 2-3 मिनट ढककर पका देंगे। तो देख लेते हैं, कम से कम 2-3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये, तो देखिए हल्के से पक भी गए हैं, आप देख सकते हैं। तो बस हमें इस तरह से इसको हल्का सा ही पकाना था, इसमें इसको बढ़िया से डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड जो तेल है बढ़िया से सेपरेट हो गया है, आप देख सकते हैं। और हमारा मसाला है जो बढ़िया से पककर तैयार हो गया, इसमें खुशबू बहुत गजब की आ रही है, बहुत ही कमाल की बनती है इसकी सब्ज़ी। इसको खाने के लिए मुझे साल भर इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट सब्जियों में से एक सब्ज़ी है। तो बहुत ही गजब का टेस्ट है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग और टेस्ट के साथ साथ ये बहुत ही हेल्थी भी है, बहुत ही तो अगर आप कंटिन्यू 1 महीने जिसमें ज़्यादा प्रोटीन विटामिन जिस फल में रहते हैं आप उसका जूस पीते हैं, या फिर जिस सब्जी में वेजिटेबल्स में दूध पनीर छाछ जो भी है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन विटामिन रहते हैं आप उसको कंटिन्यू 1 महीने खाकर विटामिन प्रोटीन नहीं ले सकते जितना आप इसको एक बार खाकर ले सकते हैं। तो कसम से मतलब सच बोल रही हूँ, ये इतनी टेस्टी बनती है ना, इतनी पौष्टिक है, मान लो एक तरह से औषधि है ये हमारे शरीर के लिए। तो आप इसको जरूर ट्राई करें, बहुत ही अमेजिंग की रेसिपी है। बस इसको 1-2-3 मिनट के लिए और छोड़ देंगे इस तरह पकने के। तो ये देखिए 2-3 मिनट बढ़िया से हो गए हैं, इतना बढ़िया कलर टेक्चर आया है, एकदम ग्रेवी टाइप देख सकते हैं। तो आप इसको मैं ही बताए तरीके से बनाकर देखिए, पक्का आपकी ये फेवरेट होने वाली है। बस इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, वाह क्या मस्त लग रही है देखने में। बस इसको करते हैं गर्मा गर्म सर्व। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कर लिया इसको बढ़िया गर्मा गर्म सर्व। आप भी इसी तरह बनाएं, बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो बस आप पूरी पराठे किसी के साथ भी इंजॉय करें और बनाए खाएं, सबको खिलाएं। धन्यवाद।